अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो रवाज यूके के शीट मास्क पर है, ठीक है। फर्मिंग सीरम शीट मास्क, ठीक है। ये बेसिकली अनार का जो हमारा फ्लेवर है ना, ये उससे एक्सट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। और मैं आपके साथ इसका जस्ट रिव्यू शेयर कर रही हूँ कि मेरे पास या मेरी स्किन पर इसका क्या रिज़ल्ट रहा है, ठीक है। जस्ट आपके साथ वही शेयर करूँगी, ठीक है। और ये भी शेयर करूँगी आपके साथ कि कौन सी स्किन टाइप के लिए ये वाला मास्क जो है वो हाईली रिकमेंड है, ठीक है। सो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो आपने ये जो मास्क है ये आपने यूज़ करना है जस्ट 15 मिनट्स के लिए, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी मास्क यूज़ करते हैं आप उसे अपने फेस पर मैक्सिमम 25 मिनट्स तो अपने फेस पर उसे रहने दें, ठीक है। और नंबर टू, जितने भी हमारे पास मास्क होते हैं ना, उनमें सीरम्स जितने भी हैं उनमें एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, ठीक है। तो जितनी देर तक हमारे स्किन पर एसेंशियल ऑयल्स रहेंगे, हमारी जो स्किन है, नंबर वन वो मॉइस्चराइज रहेगी, नंबर टू है वो एकदम से वाइट हो जाएगी, ठीक है। नंबर थ्री है हमारी स्किन सेंसिटिव भी हो सकती है। तो इन चीज़ों को बरकरार रखते हुए आप ये मास्क जो है अपने रूम में अप्लाई करें, ठीक है। सर्दियों में इन मास्क को आप धूप में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में बेसिकली आप इसे रूम में ही अप्लाई किया करें। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि ये वाला जो मास्क है ये प्रोफेशनल फॉर्मूला से बना है, ठीक है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट है। और दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा ये रिकवरिंग एजेंट इसमें है कि ये हमारी डल स्किन को एकदम से टाइटन अप कर देता है, नंबर टू हमारी ड्राई स्किन को बिल्कुल मॉइस्चराइज कर देता है। तो ये बात बहुत अच्छी है। मैंने इसे ऑयली, मेरी स्किन है ऑयली, मैंने इसे ऑयली स्किन पे इस्तेमाल किया, तो ऑयली स्किन में ये हुआ कि इसने टाइटन अप नहीं किया, लेकिन इसमें जितने भी एसेंशियल ऑयल्स थे मेरी स्किन पर उसे लॉक कर लिया बिल्कुल, ठीक है। तो मुझे तो इसका यही रिज़ल्ट मिला। और नंबर टू, मेरी स्किन बिल्कुल एकदम से वाइटन अप हो गई थी, ठीक है। ये दो इसके बेसिक जो हैं यूजेस हैं। बाकी इसे इस्तेमाल कैसे करना है या अपनी स्किन को क्या क्या कर देगा, ये सब कुछ इस पर मेंशन है, ठीक है। प्रिकॉशंस भी मेंशंस हैं, ठीक है। इसमें इंग्रेडिएंट क्या हैं, एक्वा है, ग्लिसरीन है। हमारी स्किन के लिए ग्लिसरीन बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छी है। कैस्टर ऑयल भी बहुत अच्छा है हमारी स्किन के लिए, ठीक है। जोबा वैक्स ये भी बहुत अच्छी है, ठीक है। और ये जो इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं ना जिसमें एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, स्पेशली कैस्टर ऑयल, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई कैस्टर ऑयल पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए ये ठीक काम करता है, लेकिन जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए बेस्ट काम करता है, ठीक है। और कॉम्बो स्किन या एक्नी प्रॉन के लिए तो ये बिल्कुल नहीं है, कॉम्बो स्किन के लिए भी बिल्कुल नहीं है। जस्ट ये दो स्किन टाइप्स ऐसी हैं जिनके लिए ये कमाल का काम करता है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।